सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने की याचिका पर कहा कि अभी इसका सही समय नहीं है। आपको बता दें कि बिना किसी अंतरिम आदेश के कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 23 मार्च तय कर दी है। वहीं सही समय पर कार्रवाई ना करने के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार भी लगाई और ब्रिटिश पुलिस की तरह काम करने की सलाह दी। बता दें कि शाहीन बाग के तर्ज पर दिल्ली के कई और इलाकों में भी प्रदर्शन हो रहा है, जिसके चलते इन इलाकों में दो पक्षों में हिंसा बढ़ गई, जिसमें 20 लोग मारे गए और कई घायल हो गए। गौरतलब है कि शाहीन बाग में दिसंबर महीने से प्रदर्शन चल रहा है। लोग नागरिकता संशोधन कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। शाहीन बाग पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर देर रात तक प्रदर्शन नहीं किया जा सकता, लेकिन तब सड़कों को खाली करवाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। वहीं अब कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में हो रही हिंसा के पीछे गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार का हाथ है।